नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का वीडियो है एक डीजे सेटअप के बारे में, जो कि काफी अच्छा सेटअप है। और इस सेटअप का मैं आपको फुल डिटेल्स दूंगा। इसमें कितने वाट के स्पीकर का यूज किया गया है, कौन से कंपनी का यूज किया गया है, टॉप कौन सा है, स्पीकर कौन सा है, और इस सेटअप के लिए एम्पलीफायर कौन कौन सा यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें कितने किलो वाट का जैटर का यूज किया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये सेटअप जो है हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भाई रामा अवतार का है, और ये इनका एड्रेस है, ये आप देख सकते हैं। तो इन्हीं का ये सेटअप है, काफी अच्छा सेटअप है, और इसमें ज्यादातर स्पीकर सिस्टम का यूज डीजे प्लस का किया गया है। आइए बात करते हैं कौन कौन से स्पीकर है, एम्पलीफायर कौन कौन से है, इसका मैं पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें आपको एक छोटा सा साउंड टेस्टिंग वीडियो भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में, आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले इस सेटअप में आपको 8 बेस मिलेगा, जो कि सिंगल बेस है, और इसमें आपका 4 टॉप रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बेस की। तो इसमें 8 बेस है, जो कि सिंगल स्पीकर वाला कैबिनेट है, जो कि फ्रंट कैबिनेट और नीचे टिबिन कैबिनेट है, जिसमें आपको काफी अच्छा लॉन्ग थ्रो मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं स्पीकर की, कि इसमें कौन कौन से स्पीकर का यूज किया गया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, तो इसमें का 2 बेस जो है ओजा का स्पीकर को मिलाकर बना हुआ है, और बाकी का 6 बेस जो है डीजे प्लस के स्पीकर का यूज करके तैयार किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओजा की, कि इसमें कौन से स्पीकर का यूज किया गया है। तो ये एचएफ के जो लेफ्ट राइट है, इसमें आपका ओजा का 1300 वाट का बेस का यूज किया गया है, 1300 वाट के स्पीकर का। इसका डिटेल्स आप ये देख सकते हैं, ओजा का ये वाला स्पीकर का यूज किया गया है, जो की 8 ओम्स का होता है, 1300 वाट आरएमएस पावर के साथ में, 5 इंच वॉइस कॉइल के साथ में आता है, जो की कॉपर का होता है, इनसाइड आउटसाइड वाला, काफी हैवी स्पीकर है। ओजा का ये अब तक का सबसे पावरफुल स्पीकर है 18 इंच में, यहाँ पे इन दो कैबिनेट में किया गया है। और बात करें बाकी 6 स्पीकर का, तो बाकी 6 स्पीकर जो है डीजे प्लस के स्पीकर से मिलकर बना हुआ है। बात करते हैं मॉडल की, ये वाले स्पीकर का यूज किया गया है RCS 18 1000, जो कि 18 इंच में 1000 वाट का स्पीकर है डीजे प्लस का, जिसमें आपका 4 इंच का वॉइस कॉइल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बेस के स्पीकर का डिटेल्स दे दिया, जिसमें 2 स्पीकर ओजा के हैं, बाकी 6 स्पीकर जो है डीजे प्लस के हैं। बात करते हैं इस बेस को चलाने के लिए एम्पलीफायर कौन सा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बेस को चलाने के लिए 2 एम्पलीफायर का यूज किया जाता है, जिसमें का एक एम्पलीफायर है MT1601, इसके एक जोन पे ओजा का 1300 वाट का 2 बेस चलता है, और दूसरे जोन पे जो है डीजे प्लस का RCS 1000 का 2 स्पीकर। दूसरा एम्पलीफायर है स्टूडियो मैन का HDA 8000, इस वाले एम्पलीफायर पे RCS 1000 का 2 स्पीकर एक जोन पे और 2 स्पीकर दूसरे जोन पे चलता है। और अगर आप सीनियर है तभी इस प्रकार से चलाएं, क्योंकि इस एम्पलीफायर का 4 ओम्स पे आउटपुट है 3300 वाट, तो यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है इस वाले एम्पलीफायर पे। जो भाई नए हैं वो इस प्रकार से ना चलाएं, क्योंकि एम्पलीफायर का हेडरूम काफी ज्यादा है। बात करते हैं टॉप की, तो इस प्रकार से है, ये 4 टॉप आप देख सकते हैं, जो कि भाई ने खुद डिजाइन किया है। एक टॉप जो है आपका 700 वाट का है, HF मिलाकर के 800 वाट का हो जाता है। बात करें स्पीकर सिस्टम की, तो स्पीकर इसमें ये यूज किया गया है डीजे प्लस का, मॉडल नंबर है ATR 15 350S, जो कि DRX 625 में कंपनी फिटेड आता है, इसी स्पीकर का यूज भाई ने इस वाले टॉप में किया है। तो ये मिड बेस के लिए काफी अच्छा स्पीकर है, 3 इंच का वॉइस कॉइल होता है। बात करें टॉप के एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर का यूज किया है भाई ने इसमें साउंड स्टैंडर्ड का CA12 एम्पलीफायर, अच्छा लंडो टॉप चलाते हैं, काफी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है इस वाले एम्पलीफायर में। तो ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है, ज्यादातर डीजे प्लस के स्पीकर का यूज किया गया है, और दो स्पीकर जो है ओजा से मिलकर बना हुआ है। और इस सेटअप को चलाने के लिए भाई जो है विशाल भारत का 10 किलोवाट का 2 जनरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वाले सेटअप का साउंड टेस्टिंग, हेडफोन का यूज करेगा ताकि क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। छोटा सा वीडियो है, लेकिन अच्छा साउंड टेस्टिंग वीडियो है, आइए देखते हैं। राम जी की लीला है न्यारी। तो दोस्तों, ये देखा आपने इस सेटअप का साउंड टेस्टिंग। साउंड टेस्टिंग कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना। अब आइए बात कर लेते हैं इस सेटअप के प्राइस का, इस सेटअप में जो स्पीकर यूज किए गए हैं, एम्पलीफायर यूज किए गए हैं, उसके प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं RCS 18 1000, जो कि डीजे प्लस का 1000 वाट का स्पीकर है। इस वाले स्पीकर का प्राइस अप्रोक्स 12000 रुपए है मार्केट में, थोड़ा बहुत आउट डाउन भी हो सकता है, डीजे प्लस के डीलर से ही लें। नेक्स्ट स्पीकर है ओजा का 1300 वाट का, ये स्पीकर का प्राइस मार्केट में अभी 18000 रुपए के आसपास है, ओजा डीलर से ही लें ताकि आपको सही प्राइस मिल सके। बात करें एम्पलीफायर की, MT1601 एम्पलीफायर का प्राइस है अभी 54000 के आसपास,
HDA 8000 जो कि स्टूडियोमेंट का एक 8000 वाट का एम्पलीफायर है और इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस अप्रॉक्स 54 से 55 हजार रुपए मान के चलें डीजे प्लस के डीलर से लें ताकि आपको सही प्राइस मिल सके। यही बात करें हम ETR 350S की तो ये वाला स्पीकर आपको अप्रॉक्स 4500 रुपए के आसपास मिलेगा। साउंड स्टैंडर्ड CA12 ये एम्पलीफायर आपको 33000 से लेकर के 35000 के करीब पड़ेगा। काफी अच्छा एम्पलीफायर है टॉप के लिए। और बात करें जेनरेटर की जो कि विशाल भारत का रहेगा तो विशाल भारत का जेनरेटर 10 KVA का अप्रॉक्स 55000 रुपए आपको मिल जाता है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इस वाले जेनरेटर का और इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने पूरा जानकारी देने का कोशिश किया है। तो दोस्तों ये देखा आपने इस सेटअप का पूरा डिटेल्स जिसमें मैंने आपको साउंड टेस्टिंग से लेकर के पूरा स्पीकर एम्पलीफायर का जानकारी दिया। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इनमें से कोई सभी स्पीकर सिस्टम या फिर एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो कमेंट करते जाना कि इसका रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा, साथ ही साथ अपना प्राइस भी शेयर करना कि आपको कितना पड़ा था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।